एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अल्लाह की रहमत बाय मौलाना तारिक जमील। ये एक इमोशनल बयान होने वाला है और मौलाना तारिक जमील के और भी कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी रिएक्शन में ऐड किए हुए हैं, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। इस वीडियो के लिए मेरे एक भाई है मुजाहिद किंग, जिन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे कई दफ़ा बोला है कॉमेंट्स में, तो चलिए उन्हीं की रिक्वेस्ट पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और उनको सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था कि लोगों ने उससे तंग आकर उसको निकाल दिया बस्ती से। बस्ती से निकलना मौत थी। चंद दिन के बाद उसके असबाब खत्म हुए, खाना पीना खत्म हो, बाई काट मुकम्मल, न रोटी पहुंची न पानी पहुंचा, सिसक 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 मौत किनारे आ लगा। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने यूं देखा, कोई है? कुछ नहीं नजर आया। पर उसने यूं देखा, कोई है? उसे कोई नजर नहीं आया। पर उसने बड़ी नदामत से यूं आसमान की तरफ देखा और कहा और कहा और क्या कहा, या मन ला तदुर्रहु ज़ुनूब वला तनकुसुहु अल-मग़फ़िरा, ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मुझे सब ने छोड़ दिया है, मेरी बेबसी पे रहम फरमा, मेरी आमद आमद है, तू ना मुझे छोड़ कि तेरे नेक बंदों से मैंने ये सुना हुआ है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे ना छोड़। ये कहते कहते वो मर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार जंगल में मर गया है, एक यार मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसके जाके जनाजे का इंतजाम करो और लोगों में ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा आज वो भी बख्शा जाएगा। लोग भागे, आगे देखा तो वो बदमाश। लोग खेलने के, मूसा क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का वली है, ये वो है जिसे हमने धक्के देके निकाला, ये वो है, ये कहां से अल्लाह का दोस्त और वली बन गया, ये कहां से ये मर्तबा पा गया। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, इसने बाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, पर इसने बेबसी से मुझे देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, मूसा देखो मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, पर अल्लाह जो चाहे कर दे। कहने लगा, मूसा जब इसने बेबसी से मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, जिसे सब छोड़ दे मैं भी छोड़ दू, मेरी इज्जत की कसम मूसा, अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया की मुझसे बख्शिश मांगता तो उसके आंसुओं के तुफैल मैं पूरी दुनिया को माफ कर देता। कारून जैसा मुजरिम जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, माफ कर दे माफ कर दे, और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे और पकड़ो और पकड़ो, कहता माफ कर दे, कहते और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत था तेरा दिल, इतनी मिन्नतें सुनकर भी तू ना माना, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं बाहर निकाल देता, तुम पुकारो तो सही, मैं ना आऊं तो फिर गिला देना, मेरे बनो तो सही, मेरे बनो तो सही। हज़रत उमर के जमाने में कवैया गाया करता था, रोटी बनाता था, आवाज बुढ़ापा आ गया, आवाज खत्म हो गई,
लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा, अल्लाह से कह रहा, या अल्लाह आवाज थी तो रोटी भी मिलती थी, आवाज गई तो रोटी भी गई, तू मेहरबान है, एक मेरे फाके पे रहम फरमा, मेरे रिस्क का बंदोबस्त फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में सोए हुए थे, मस्जिद सोए हुए थे, तुमको ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा बकी में मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद को पहुंचो ए उमर। उमर रज़ी अल्लाह तआला हो ऐसा उठे, खौफ ज़दा, ना सर पे टोपी ना पगड़ी ना पांव में जूता, दौड़ लगाई जन्नतुल बकी की तरफ। वो बड़े मियां एक झाड़ी के पीछे बैठा अल्लाह से बातें कर रहा था, जब वो तेजी से अंदर दाखिल हुए तो कदमों की आहट, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उमर, उसने कहा आ गया उमर कोड़ा लेकर पिटाई करने। वो भागा उठ के, तो उमर ने फरमाया रुको रुको रुको, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ भेजा गया हूँ। तो वो कहने लगा किसने भेजा है? कहा वही जिससे बातें कर रहे थे, उसने भेजा। तो उसकी एक चीख निकली और बैठ गया, कहने लगा मेरे रब सारी जिंदगी तुझे भुलाया, याद किया तो पेट की वजह से किया, या अल्लाह, और तूने उस पर भी लब्बैक कहा, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर। और उसकी चीख निकली और जान निकल गई। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद उसका जनाजा पढ़ाया और कब्र में उतारा। मेरा एक शागिर्द है कराची में, उसकी मस्जिद के साथ बराबर एक औरत लड़कियां सप्लाई करती थी, गलीज तरीन काम, गंदा तरीन धंधा। उस शागिर्द ने मेरे बयान की कैसेट उसके बेटे को दी कि भाई ये सुन लो, पहले दोस्ती लगाई फिर कैसेट दे दी। वो घर में सुन रहा है, उसकी मां आते जाते उसके कानों में आवाज पड़ रही, वो भी आके बैठ गई, सुनती रही, कहने की दोबारा लगाओ सारी सुन, फिर कहने एक दफा और लगाओ फिर सारी सुन, फिर कहने लगी ये किसकी है? उसने कहा मुझे भी नहीं पता किसकी है, मुझे तो मौलवी साहब ने दी है। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गई, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, बुला लिया बच्चे को, इमाम को बुलाया, कहा ये कैसेट आपने दी है, कौन है ये? कहा मेरे उस्ताद है तारिक जमील साहब। वो कहने की उन्होंने तौबा की, बड़ी अच्छी बात की, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? क्या काम करती थी वो, मैं दोबारा जबान पे लाते हुए शर्मा रहा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा हाँ जी, वो कह रहे हैं अल्लाह कह रहा है तो कबूल ही कबूल है। कहा अच्छा फिर मैं तेरे सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करती। और अगले दिन उसने मस्जिद में तरावी में आना शुरू कर दिया। तरावी के बाद जब दुआ जो कहते या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा दे। सारी जिंदगी काम क्या किया मैंने बता दिया है, ये पांचवा रोजा है। और वो रोज तरावी के बाद कहती या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वीं तरावी सजदे में अल्लाह ने उठा लिया। सारी जिंदगी क्या करके गुजरी और मौत राबिया बसरी जैसी आई। तो मेरे अजीजो, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर, अल्लाह से सुलह कर। वो हमारा बन गया तो मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु, इन वजदतनी वजदत कुल शै व इन फुतनी फातक कुल शै व अना खैरुल लक मिन कुल शै। मेरा बंदा मेरी तलब में आ, मैं मिला सब कुछ मिला, मैं न मिला कुछ न मिला। मन तकर्रब इक तलक्कैतुहु मिन बईद। सारी जिंदगी नाफरमानियां करके अबे कहां जा रहे हो? तो यार अल्लाह को मनाने जा रहा हूं। और तू कहां जा रही बड़ी भी? कहा अल्लाह को मनाने जा रही हूं। अब इस बुढ़ापे में तेरी कौन सुनेगा? दांत तेरे नहीं, दिखता तुझे नहीं, चला तुझसे नहीं जाता, अब तेरी माफी कहां से होगी, अब तेरी कौन सुने? वो क्या कह रहा है, वो ऊपर वाला क्या कह रहा है? मन तकर्रब इलैश, जो मेरी तरफ आता है, चाहे सहारे से आ रहा है, ले चलो मसीह तेरा मनो राजी कर, मैं क्या करता हूं? तलक्कई तो हो मिन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं। मैं माफी मांगने के लिए जो आ रहा है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं।
आया मेरा बंदा, मैं तो कब से इंतजार में था। مَن يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْأَلُ رَبَّهُ فِي أَن يُغْرِقَ ابْنَ آدَمَ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ كَوَيْ دِن خَالِي نَهِي جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی، اور جس کا میں نافرمان، زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے، ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو اڑا دو مار دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ، میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے تو پکڑتا کیوں نہیں، وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارن قبلتہ ان اتانی لیل قبلتہ، جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتھے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا بڑھے وارے آگئے ہیں کیڑے منہ نہ لاگئے ہیں ہن کدے آئے ہیں، ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو۔ آؤ میرے بچوں، ہم اللہ سے آج صلح کر، من تقرب الی تلقیته من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں، اور اگلی بتاؤں، ومن اعرض عنی ناضیته عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں، کدھر جا رہے ہو، اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو، آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها و ازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی دس لکھتا ہوں اور دس سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں، وَالسَّيِّئَةُ عِنْدِي بِمِثْلِهَا وَأَعْفُو وَأَغْفِر، اور تیرا ایک گنا ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔ اوکے گائز، سو یہ تھا ویڈیو، اور مطلب میں نا آنکھوں میں آنسو میرے کئی بار آئے اس ویڈیو میں، بٹ میں نے کنٹرول کیا اپنے اوپر، مطلب یہ ویڈیو سن کر نا مطلب مجھے اتنا ہی ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ یار ہمیں نا لائف میں کبھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ طارق جمیل صاحب مولانا نے بھی یہ چیز بولی کہ کبھی کوئی توبہ کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے نا، چاہے بے شک وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اب لوگ ایسا کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ جب بزرگ انسان ہو جاتا ہے پوری لائف وہ جو بھی کرتا ہے، اور بڑھاپے میں جب وہ اپنی دعائیں مغفرت کرتا ہے، مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھو یار، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ قبول کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کے لیے ہم اور آپ تو کون ہوتے ہیں اس چیز کو جج کرنے والے کہ ہم کسی کے لیے بھی یہ بولیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو مجھے لگتا ہے لفظ جو بولتا ہے نا سب سے بڑا گنہگار وہ انسان ہے، بے شک سے کسی کی لائف میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، بٹ جب وہ اللہ کے نزدیک جا کے اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو کبھی اس چیز کے لیے ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس کی کیا دعا قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ غلطیاں کر کے بھی اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے ہم اتنی زیادہ عبادتیں کر رہے ہوں، پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہماری کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو رہی ہوں۔ تو ہمیں کبھی بھی، میں پورے ویڈیو میں یہ چیز نوٹس کری تھی کہ آج کل بہت لوگ نا بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے، تو اس لیے کسی کو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ کو کب کس کی کیا بات پسند آ جائے اور وہ اس انسان کی مغفرت کر دے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا اتنا زیادہ دینی اصولوں پہ چلنے والا انسان ہو کہ اللہ کو اس کی کون سی بات بری لگ جائے کہ اللہ اس کی عبادت کو جو ہے قبول نہ کرے، تو ہمیں سچ میں اس بارے میں نہیں پتا۔ تو جتنے بھی میں نے قصے سنے نا اس سے مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ دیکھو پوری پوری لائف انہوں نے کتنا، مطلب کسی نے کچھ کیا، کسی نے پوری لائف جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اینڈ دین اسٹل
लास्ट में हमारा रब इतना मेहरबान है, इतना रहीम और करीम है कि अपने बंदों को उस वक्त भी माफ़ किया जब उनकी लाइफ का कोई वक्त बचा ही नहीं था, लास्ट टाइम चल रहा था, और उस वक्त भी उन्होंने उनकी मगफरत की अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। एक मैंने वीडियो किया था तारिक जमील से आपका ही डिसअपॉइंटमेंट विद अल्लाह, तो वो वीडियो इस वीडियो के साथ मैं अगर मर्ज करूँ तो बहुत अच्छा एक कंसेप्ट बनकर निकल कर आएगा। बट ऑलरेडी मैं उस वीडियो पर रिएक्ट कर चुकी हूँ। तो अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी को निराश नहीं करता। चीज़ें होने में कई बार हमारी दुआएँ कबूल होने में वक्त ज़रूर लगता है, बट इंशाल्लाह हो ज़रूर जाती है अगर वो जायज़ दुआ हो। और ये तो यार हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो अगर हम कोई भी चीज़ शिद्दत से मांगे और वो जायज़ दुआ हो और बिल्कुल आंखों में आंसू ला के अल्लाह ताला से बिल्कुल गम में डूब के अगर हम कोई दुआ मांगते हैं तहज्जुद में या फजर के या किसी भी नमाज के दौरान, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जबकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा दीनी हूँ। मैं किसी वीडियो में मैं बयान ज़रूर सुनती हूँ, बट मैं कभी ये अपने आप के लिए दावा नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा दीनी हूँ या कुछ हूँ। तो मैं भी ऑफ कोर्स बहुत सारे गुनाह करती हूँ, सब छोटे मोटे हमारे दिन भर में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, बट मैं एक बात फिर भी बोलूँगी, मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें दिल से मांगे ना, अल्लाह ताला ने मुझे उन चीज़ों से नवाजा है। जो जो चीज़, और मैं वो चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकती, बस मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से, परेशानियों से मैं बाहर आई हूँ, सिर्फ अल्लाह ने उस वक्त मेरी मदद की है जब मैं इतना रोती थी, जिस वक्त मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो गाइज़, बस मैं यही बोलूँगी, अल्लाह ताला से नाउमीद ना होए और बस अस्तगफार करते रहें और अल्लाह ताला को याद करते रहें। तो चलिए गाइज़, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को फिनिश और मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।